कम्युनिकेशन तो इसमें हमें आज पढ़ना है सम अदर वेज़ टू कम्युनिकेट यानी कि कम्युनिकेट करने की कुछ और जो है जराए लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप अपनी किताबें निकालिए अपने, अपने सामने रखें और पेज नंबर एक सौ सतासठ पर आ जाइए तो हमें पढ़ना है आज अदर वेज़ टू कम्युनिकेट लेकिन इससे पहले हमने पढ़ा था इसमें मीनस ऑफ कम्युनिकेशन कल की वीडियो में तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में हमने पढ़ा द डिवाइस यूज टू कन्वे और रिसीव मैसेज आर कॉल्ड मीज ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि मीन्स हम कम्युनिकेशन हम इसी को कहते हैं कि जिन डिवाइसों का हम इस्तेमाल करते हैं अपनी बात को दूसरों तक पहुँचाने के लिए या अपनी फीलिंग्स को दूसरों तक पहुँचाने के लिए या जो दूसरों की बातें हम तक पहुँच पहुँचती है और दूसरों की फीलिंग्स जो हम तक पहुँचती हैं ये कुछ डिवाइसों का हम इस्तेमाल इसमें करते हैं तो इसी को हम बोलते हैं मींस ऑफ कम्युनिकेशन क्योंकि इन के ज़रिए से दूसरों की बातें या हमारी बातें दूसरों तक पहुंचती हैं और दूसरों की बातें भी हम तक पहुंचती हैं तो ये सब कहलाता है मींस ऑफ कम्युनिकेशन जैसे कि यहाँ पर हमने पढ़ा टेलीफोन है इंटरनेट है ई मेल है एस एम एस है इसी तरह से है फैक्स है कॉड है तो ये जो सब है ये है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्योंकि इन सब के ज़रिए से हम एक दूसरे तक अपनी बातें पहुँचाते हैं अपनी फीलिंग्स को पहुँचाते हैं तो आज हमें पढ़ना है सम वेज टू कम्युनिकेट यानी कि कम्युनिकेट करने के कुछ और ज़रा लेकिन इससे पहले आप देखिए थोड़ा सा ऊपर अ लॉन्ग टाइम एगो इस पर हम थोड़ा सा नज़र डालते हैं हाउ डिड पीपुल सेंड मैसेज टू डिफरेंट टाउन एंड सिटीज़ बिफोर द बिफोर दिस मॉडर्न मीज आफ कम्यूनिकेशन इन्वेंटेड इन्वेंटेड कैन यू गैस तो पुराने ज़माने में लोग कैसे मैसेज को डिफरेंट uh, टाउनस तक या डिफरेंट सिटीज तक भेजते थे तो जब से ये मॉडर्न मीस ऑफ कम्यनिकेशन वजूद में नहीं आई थी तो उससे पहले लोग कैसे अपने मैसेज को डिफरेंट सिटीज़ uh, तक या डिफरेंट टाउन uh, तक पहुँचाते थे क्योंकि दूर था कैन यू गेस कि आप उस बारे में कुछ अंदाज़ा लगा सकते हो क्योंकि उस वक़्त जो है मॉडर्न मीन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं था तो हमें यह अंदाज़ा लगाना है उस वक्त के लोग कैसे ये सब करते थे यानी कि जब उनसे कोई दूर होता था तो वो अपने मैसेज को उस तक कैसे पहुंचाते थे तो इस बारे में आप अपनी राय लिख लेना और इसको आप अपने रुक पे लिख लेना और उसका फ़ोटो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे सेंड कर लेना लॉन्ग लॉन्ग एको पीपल सेंटो पीपुल सेंट सम सिग्नल्स और बीट ड्रम तो पुराने जमाने में लोग क्या करते थे ये दुआं उड़ाते थे कहीं जगह पे कोई जलाते थे उससे जो दुआ उड़ता था और या, या तो ये ड्रम बजाते थे तो इसके जरिए से ये दूसरे लोगों को जो वहाँ से दूर होते थे उनको सिग्नल्स बेचते थे तो इस दुआएँ को देख या जो ड्रम की आवाज़ है Uh, उसको uh, उसको पकड़ने के लिए लोग वहाँ से आते थे और देखते थे ये ड्रम कहाँ पे बज रहा है या ये दुआ जो है ये कहाँ से उठ रहा है और वहाँ तक पहुँचते थे और उन लोगों तक जो है ये कम्युनिकेट कर पाते थे यानी कि रब्ता बना पाते थे ठीक है नाउ टिक द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यू यूज़ टू कीप इन टच विद योर कजिन्स हु लिव इन अदर टाउनस तो यहाँ पे कुछ ऑप्शनज हैं कम्युनिकेशन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के कुछ ऑप्शन हैं यहाँ पे तो आपको यहाँ इसमें से एक को टिक करना है जिसके ज़रिए से आप अपने कोजन से रता बनाते हैं जो दूसरे टाउन में दूसरे जो है कस्बे में रहता है और आपका रबता उससे बना हुआ है तो जाहिर सी बात है आजकल जो है मॉडर्न ज़माना है मॉडर्न मीज ऑफ कम्युनिकेशन आज हमारे पास है तो आज हम करेंगे किसका इस्तेमाल जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं इट इस कंप्यूटर तो आज हम कंप्यूटर का ही इस्तेमाल करते हैं तो कंप्यूटर से हम मैसेज को भी भेजते हैं हम वीडियोस को भी भेजते हैं ऑडियोस को भी बेचते हैं हम जो है एसएमएस भी कर सकते हैं ईमेल भेज सकते हैं सब कुछ तो यहाँ पर हम किस को फिर टिक करेंगे कंप्यूटर को ही क्योंकि कंप्यूटर जो है इस ज़रिए से हम अपने दोस्तों तक भी या अपने रिश्तेदारों से भी रबता आज कल बना लेते हैं जो दूसरे टाउन में रहते हैं हैं या दूसरे शहरों में रहते हैं ओके okay, तो अब हम देखते हैं सम अदर वेज़ टू कम्युनिकेट देयर आर अदर मीनज ऑफ कम्युनिकेशन दैट हेल्प अस टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस तो कम्युनिकेशन के कुछ और भी ज़रा हैं जो हमारे इर्द गिर्द की दुनिया के बारे में जानने में हमारी मदद करते हैं ठीक है तो वो कौन से हैं जैसे कि न्यूज़ पेपर्स पहले हम लिखेंगे लेंगे इसको न्यूज़ पेपर को न्यूज़ पेपर्स टेल अस वट इज़ हैपनिंग अराउंड अस तो जब हम न्यूज़ पेपर को पढ़ते हैं हमें पता चलता है कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है तो ये सब जो है इर्द गिर्द की खबरें हमें हम तक पहुँचती हैं न्यूज़ पेपर के ज़रिए से जब हम न्यूज़ पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़ पेपर जो है ये भी एक मीन ऑफ कम्युनिकेशन है ठीक है उसके बाद है बुक्स एंड मैगजीन्स टीच एस अबाउट न्यू थिंग्स जब हम बुक्स को या मैगजीन्स को पढ़ते हैं तो इससे हमें नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो नई चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं ये भी दूसरों तक हम दूसरों के जरिए से हम तक पहुँचती हैं तो इसीलिए ये, ये बुक्स जो हैं या ये मैगज़ीन्स जो हैं ये भी है मीन्स ऑफ कम्यनिकेशन ठीक है उसके बाद है वी कैन वॉच गेम्स न्यूज़ एंड अदर प्रोग्राम ऑन द टेलीविजन तो हम जो है गेम्स देखते हैं जैसे कि क्रिकेट मैच होता है कहीं पे और हम अपने कमरे में देखते हैं किस पे टेलीविजन पे या न्यूज़ जो होती है वर्ल्ड की न्यूज़ हो या हमारी कंट्री की कहीं जगह की भी न्यूज़ हो हम अपने कमरे में बैठ के देखते हैं किस पे टेलीविज़न पे देखते हैं तो ये भी है एक मीनज ऑफ कम्युनिकेशन क्योंकि इस टेलीविजन के ज़रिए से अगर मैच जो होता है कोई गेम चल रही है कोई फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्रिकेट मैच को ही लेंगे दुबई मैच चल रहा है तो हम अपने कमरे में बैठ के देखते हैं तो ये किस ज़रिए से हम तक पहुँचता है इस टेलीविज़न के ज़रिए से तो ये टेलीविज़न जो है ये भी है एक मीन्स कम्युनिकेशन ठीक है तो क्यों इससे हम रबता बना पा रहे हैं उनसे जो हम हमसे कहीं ज़्यादा दूर हैं ठीक है तो उसके बाद है वी कैन कैच द वेदर रिपोर्ट और लिसन टू न्यूज़ ऑन द रेडियो अब रेडियो जो है ये भी एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है क्यों क्योंकि अगर हम रेडियो सुनते हैं तो यहाँ से हमें वेदर रिपोर्ट का पता चलता है वेदर रिपोर्ट जो है हमें इसका पता कहाँ से चलता है जब हम रेडियो पे इसको सुनते हैं या जो न्यूज़ होती हैं ये भी रेडियो पे भी रेडियो पे भी न्यूज़ आते हैं तो रेडियो भी जो है ये भी एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है क्योंकि इससे हम वेदर रिपोर्ट को भी सुनते हैं या न्यूज़ जो होती हैं इनको भी हम रेडियो पर सुनते हैं तो रेडियो भी जो एक जो है ये भी एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है तो डियर स्टूडेंट्स अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अच्छी तरह से समझ लिया तो ये भी था एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन तो कुछ और जो जरा थे जो कम्युनिकेशन के थे ये भी हमने आज पढ़ लिए तो अब यही उम्मीद करता हूँ मैं कि आपने इसको अच्छी तरह से समझ लिया हो इस पूरे चैप्टर को यह आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा तो आज के लिए इतना काफ़ी है ओके डेयर स्टूडेंट्स यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो अंटिल दैन टेक केयर फी अमान